साथियों, देश में सस्ता और प्रभावी इलाज होने के साथ साथ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमने गांव के अस्पतालों से लेकर के मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थानों तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम शुरू किया है। गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। ये सिर्फ खांसी बुखार के सेंटर नहीं है, बल्कि यहां गंभीर बीमारियों के परीक्षण की सुविधाएं देने का प्रयास है। पहले जिन छोटे छोटे टेस्ट को कराने के लिए शहरों तक पहुंचना पड़ता था, वो टेस्ट अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के संपूर्ण समाधानों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। हर जिले में जांच केंद्र, 600 से ज्यादा जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी हमें इतना परेशान ना करें, इसके लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अभियान को गति दी जा रही है। हर 3 लोकसभा केंद्रों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में करीब 180 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले जहां देश में लगभग 55,000 MBBS सीटें थी, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30,000 से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30,000 हुआ करती थी, उनमें 24,000 ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी।